हेलो फ्रेंड, ध्यान रखने योग जरूरी बातें तो आप इसे जरूर सुनिए। नंबर एक है, बालों में तिल का तेल लगाएं तो बाल कभी नहीं झड़ेंगे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल आना शुरू भी हो जाएंगे, इसलिए तिल का तेल जरूर लगाना चाहिए। नंबर दो है, आपका बच्चा छोटा है तो उसको रोज तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल का तेल बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, खासकर ठंड में रोज तिल के तेल की मालिश करने से बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। नंबर तीन है, गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी भी वापस आ जाती है। नंबर चार है, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए अपने खाने में रोज चुकंदर लेना चाहिए। नंबर पाँच है, मेथी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए, ज्यादा देर तक मेथी को लगाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर बालों में मेथी रहेगी तो बालों की नमी को सोख लेगा। नंबर छह है, यदि आपको मच्छर काट लेते हैं और वहां पे खुजली होती है तो उस जगह पर आप साबुन लगा लें और पानी से अच्छे से वॉश कर लें। नंबर सात है, एक गिलास दूध में एक चम्मच गाय का घी, कमजोरी और मिश्री मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और हड्डियों की कमजोरी नहीं होती है। नंबर आठ है, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी ही पिए। नंबर नौ है, उल्टा लेट कर कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा 80% बढ़ जाता है। नंबर दस है, अगर हम काले जीरे के तेल से मसाज करें तो हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। नंबर ग्यारह है, जो औरतें पैरों में चांदी की पायल बांधती हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और पैरों का दर्द भी गायब हो जाता है। नंबर बारह है, मूली के पत्ते खाने से पेट की परेशानी खत्म हो जाती है। तेरह है, एक सेब खाकर ऊपर से एक गिलास दूध पीने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, साथ ही आप हमेशा जमा बने रहेंगे। और चौथा है, यदि आपके शरीर में कहीं भी कट लग गया है तो वहां पर हल्दी का लेप लगा लें, इससे आपका खून बहना बंद हो जाएगा और यह घाव भी जल्दी भर देता है। पंद्रह है, आपके शरीर में दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी हो रखी है तो आप सुबह नीम की पत्तियां जरूर चबाएं, इससे आपका खून साफ होगा और आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। नंबर 16 है, अगर आपको चेचक के दाग हैं तो इन पर रोज नारियल के तेल की हल्के हाथों से मसाज करें। 17 है, आपके नाक से खून बहता है तो एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में मिश्री और बादाम को अलग अलग भिगो दें। सुबह बादाम के छिलके हटाकर मिश्री और बादाम का पेस्ट बना लें और सुबह सुबह पी लें। यह शरीर में इतनी ठंड करता है कि वापस आपके नाक से खून आना बंद हो जाता है। 18 है, यदि बार बार आपको हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हींग को गर्म करके सूंघ लें, इससे आपको हिचकी नहीं आएगी। नंबर 19 है, यदि रात में नींद नहीं आती है तो प्याज का सेवन ज्यादा करना चाहिए, इससे आपको नींद आने लगेगी। नंबर 20 है, बुखार हो रहा है तो हींग को पानी में मिलाकर हाथ लगा लें, बुखार में आपको आराम मिलेगा। 21 है, जो रोज भिंडी का सेवन करते हैं उनको दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। 22 है, महीने में एक बार मिक्सी में नमक डालकर चलाने से ब्लड साफ रहते हैं। नंबर 23 है, पालक मेथी और सरसों इनको सूखने से बचाने के लिए इनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में रखें। नंबर 24 है, आपको कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल तेल लगाकर कान में फेरे, इससे आपको सुनाई देने लगेगा। 25 है, काले अंगूर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसके खाने से पेट ठीक रहता है। 26 है, हरी शिमला मिर्च खाने से मोटापा नहीं आता है। 27 है, खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 28 है, हाथों से कपड़ा धोने से दिल मजबूत होता है और हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत बनती है, इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए। नंबर 29 है, जब सर में दर्द हो तो हल्के हाथों से गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए, इससे सर दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 30 है, किडनी स्टोन से बचना है तो रोज तरबूज खाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 31 है, हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। 32 है, यदि आपके दांत में दर्द है तो एक लौंग अपने दांत में रखें, आराम मिलेगा। 33 है, दांतों में अगर पीलापन है तो नमक के पानी से आप कुल्ला करें। 34 है, जो महिलाएं कमरबंद पहनती हैं उनको कभी भी कमर दर्द नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। 35 है, आपके शरीर में आयरन की कमी है तो रोज पोहे खाने चाहिए।
36 है, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या दिमाग कमजोर है तो आप बच्चों को 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल खिलाएं। इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। आप गुड़ के साथ भी भीगी दाल खिला सकते हैं। नंबर 37 है, जो औरतें सर्दियों में दूध में जैतून का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर मसाज करती हैं, इससे उनका चेहरा सॉफ्ट और चमकदार बना रहता है। साथ ही दूध और जैतून के तेल से हाथ और पैरों की मालिश करने से हाथ पैर फटते नहीं हैं। 38 है, अगर आप तिल के तेल में लहसुन की कलियां पीसकर बच्चों या फिर बड़ों के शरीर पर मालिश करते हैं, इससे ठंड, जुकाम, खांसी, कफ, हड्डियों के दर्द जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। नंबर 39 है, बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है। नंबर 40 है, तुलसी के बीज को पानी भिगो कर खाने से मानसिक तनाव कम होता है और यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नंबर 41 है, यदि आप खुजली की समस्या से परेशान हैं तो सरसों के तेल में 7 से 8 लहसुन की कलियां काले होने तक पका लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें थोड़ा सा आप नमक भी मिला लें और पूरे शरीर पर मालिश करें, इससे खुजली जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 42 है, अगर आपको दस्त है, चाय पत्ती की 1 चम्मच पानी के साथ खाने से दस्त में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। नंबर 43 है, यदि आपको ज्यादातर सर दर्द रहता है तो आप पालक का सेवन ना करें। नंबर 44 है, एलोवेरा को पीठ में से काट लें, फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज शाम को सोते समय मालिश करें और सुबह उठकर चेहरा धो लें। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं, इससे चेहरे के दाग धब्बे झाइयां दूर होकर चेहरे पर ग्लो आने लगता है। नंबर 45 है, आप किसी पार्टी और फंक्शन में जाने से पहले अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो पाना चाहते हैं तो संतरे और नींबू के छिलके का पाउडर दूध में मिलाकर 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें और सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर चेहरा धो लें। इससे चेहरे पर एकदम नया निखार आ जाता है। नंबर 46 है, यदि सर में रूसी या डेंडर बहुत ज्यादा है तो इसके लिए खट्टे दही से सिर में अच्छी तरह से मालिश करें और आधे घंटे बाद सिर धो लें। इससे बहुत ही ज्यादा रूसी खत्म हो जाती है। नंबर 47 है, मेथी के पत्तों को पीस कर चेहरे पर लगाने से मुहासे और दाग धब्बे मिट जाते हैं और इससे चेहरा निखरने लगता है। 48 है, यदि चावल खाने से आपको बदहजमी की समस्या रहती है तो नारियल की गिरी खा लेनी चाहिए। नंबर 49 है, बच्चों को रोजाना किशमिश खिलाने से उनका शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 50 है, रोजाना खाने में 1 चम्मच इमली की पत्तियों को चटनी बनाकर खाएं, इससे भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी से हजम हो जाता है, पच जाता है। नंबर 51 है, उबले चने की रोटी या भुने चने खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और इसके सेवन से अधिक शक्ति भी बढ़ती है। 52 है, नींबू और प्याज का रस ठंडे पानी में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। 53 है, अगर सर्दी से बुखार हो रहा है तो 1 ग्राम अजवाइन कूट कर कपड़े में छान लें, उससे पोटली बांध कर सूखने से आराम मिल जाता है। 54 है, यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफेद चावल और मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन कम से कम करें। 55 है, यदि आपको बेचैनी और थकावट महसूस होती है, अनार के जूस में नींबू डालकर पिए। 56 है, पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 57 है, यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो काला नमक वाला पानी पी लें, इससे चक्कर आना बंद हो जाते हैं। 58 है, यदि आप रोजाना इलायची का सेवन करते हैं तो इससे एसिडिटी और बस पेट में ऐंठन की समस्या नहीं होगी। 69 है, दूध में नमक मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। 60 है, यदि आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो आप खाने में जैतून का तेल जरूर इस्तेमाल करें। 61 है, यदि आपको रात में सोते समय डरावने ख्वाब आते हैं तो अपने बिस्तर को रोजाना झाड़ कर सोया करें। नंबर 62 है, यदि पेट में सूजन की समस्या है तो खाली पेट अनार खाएं, इससे सूजन जल्दी से खत्म हो जाएगी। 63 है, रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर गुलाब का अर्क लगाने से चेहरा जल्दी बूढ़ा नजर नहीं आता है।